अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वॉम वेलकम टू ए सी डी क्लास माई नी इज इस्लाम एंड आई वेलकम यू बैक टू दिस स्पेशलाइजेशन सेक्शन लेक्चर सीरीज फॉर द पोस्ट ऑफ फीमेल सुपरवाइजर इन द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अभी तक हमने आठ लेक्चर्स में डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है यूनिट सिक्स के और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम एडोपन और फॉस्टर केयर को कवर करेंगे जो कि आपके यूनिट सिक्स में टॉपिक दिया हुआ है तो अगर हम एडोप्शन की बात करेंगे तो अगर मैं एडोपन को हिंदी या उर्दू में बोलूँ तो एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना तो इंग्लिश में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो वी कैन से दैट इट इज़ द लीगल प्रोसेस जिसके थ्रू एक पर्सन या एक कपल लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं एक चाइल्ड के जो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होता है सिंपली जब कोई किसी को गोद लेता है या अडॉप्ट करता है तो वो चाहे एक पर्सन अडॉप्ट करेगा या कपल अडॉप्ट करेगा तो वो दोनों या वो उसके लीगल पेरेंट्स बन जाते हैं उस बच्चे के जो उनका बायोलॉजिकली उनका चाइल्ड नहीं होता है सिंपल मुझे नहीं लगता है, ये समझने की बात है ये आपको पता ही होगा जो एडॉप्ट चाइल्ड हो, होता है वो उनका लॉफुल चाइल्ड बन जाता है और उसको वो सारे राइट्स प्रिवलेज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं जो अटैच होती हैं एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के साथ ठीक है अब इंडिया के अंदर जो अडोपशन प्रोसेस है अब आपको इतना तो पता ही होगा कि जब एडॉप्ट करते हैं बच्चों को देर आर सम फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी करनी पड़ती हैं और एडोपशन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रखे हैं कुछ रेगुलेशन रखी है जिनको फॉलो करना पड़ता है फंडामेंटली कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं अडोपशन के प्रोसेस को फर्स्ट इज़ कि जब भी अडोप्ट किया जाता है बच्चे को तो बच्चे की वेलबींग well और बच्चे के इंटरेस्ट को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए यानी जब भी अडॉप्शन का डिसीजन लिया जाए तो जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखना चाहिए दूसरी बात है कि जब बच्चे को अडॉप्ट किया जाए तो इंडिया के अंदर तो कोशिश की जानी चाहिए कि उसको इंडियन सिटीजन्स के साथ प्लेस किया जाए इंडियन सिटीजन्स के साथ ही और साथ में उस बच्चे के सोशल कल्चरल इन्वामेंट को भी मैं भी ध्यान रखा जाए यानी कोशिश की जानी चाहिए कि उस बच्चे का जो कल्चर होगा या उसका जो सोशल सेटअप जिसमें वो रहा होगा अभी तक उसी में उसको अडोपशन में देना चाहिए ताकि उसको कल्चरल डिफरेंसेस ना फील हो कोशिश की जानी चाहिए जिस कल्चर या जिस सोसाइटी में वो रहा है उसी सोसाइटी के आसपास या उसी सोसाइटी में या उसी कल्चर के अंदर उसको अडोपशन में दिया जाए फॉर एग्जांपल अगर कोई कश्मीर का बच्चा है तो कोशिश की जानी चाहिए कि उसको कश्मीर के अंदर ही अडोपशन में दिया जाए ये सिंपल सी बात है इसके बाद जो तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि जितनी भी अडोपशनस हो उनको केयरिंग्स पोर्टल पे रजिस्टर किया जाना चाहिए अभी केयरिंग पोर्टल क्या है केयरिंग स्टैंड फॉर चाइल्ड एडोपन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है केयरिंग पोर्टल याद रखना ये एक गवर्नमेंट का पोर्टल है जिस पे सारी अडोपशनस को रजिस्टर किया जाता है जब भी कोई अडॉप्ट करता है किसी बच्चे को तो लीगली इसी सिस्टम पे इसी पोर्टल पे उसको रजिस्टर किया जाता है और साथ में उस इस अडोपशन के प्रोसेस को कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए तो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं इसमें यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इस वाले स्लाइड में जो है वो है केयरिंग्स पोर्टल की फुल फॉर्म और याद रखना आप केयरिंग्स पोर्टल पे सारी एडोप्शंस को रजिस्टर किया जाता है ठीक है अब कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं एडोप्शन प्रोसेस में ये भी इंपॉर्टेंट है यानी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन या एजेंसीज होती हैं जो इस एडोपन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी है जो सबसे टॉप पे आती है दैट्स कॉल्ड एज कारा कारा की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडोपन रिसोर्स अथॉरिटी कारा जो है ये एक सेंट्रल लेवल पे यानी यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो वैसे ये सेंट्रल लेवल पे जो अथॉरिटी रेगुलेट करती है अडोप्शन के प्रोसेस को उसको कहते हैं कारा कारा जो है वो नेशनल लेवल की एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका काम होता है एडोपशन थ्रू आउट कंट्री एडोपन के जो रूल्स होते हैं या जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको कारा ही डिसाइड करता है ठीक है तो कारा का काम है एडोपन गाइडलाइंस रिलीज़ करना पीरियॉडिकली मतलब एडोपन गाइडलाइंस क्या है बेसिकली ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं या ये वो प्रोसीजर्स हैं जो हर एक एडोपन के दौरान हर एक इंसान को फॉलो करने चाहिए यानी जब भी कोई अडॉप्ट करेगा तो उसको कुछ रूल्स उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस, उसको कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं और ये रूल्स या गाइडलाइंस या प्रोसीजर्स कौन बनाता है ये आपका कारा बनाता है जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडोपन रिसोर्स अथॉरिटी अब ये तो हुई सेंट्रल लेवल पर बात सेंट्रल लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है इन द प्रोसेस ऑफ एडोपन दैट इज़ कारा स्टेट लेवल पे जो सबसे बड़ी या सबसे टॉप पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एडोपशन प्रोसेस को देखती है गवर्न करती है उसका नाम है सारा दैट इज़ स्टेट एडोपन रिसोर्स एजेंसी ये स्टेट के अंदर नोडल बॉडी होती है जो कि स्टेट के अंदर जितनी भी लाइक like एडोप्शन का प्रोसेस होता है उसको देखती है और ये काम करती है इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल एडॉप्शन अथॉरिटी अब यहाँ पे ये है कि ये मॉनिटर करती है एक तो एडोप्शन को और दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर को तो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होता है इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर एग्जांपल जहां पे इंस्टीट्यूशंस में केयर की जाती है बच्चों की फॉर एग्जांपल ऑर्फनेज है तो ऑर्फनेज एक इंस्टीट्यूशनल वहां पे इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड की जाती है दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर जो है कोई एक पेरेंट है या कोई एक घर है कोई एक फैमिली है वो किसी बच्चे को ऐसे ही फॉस्टर करती है उसको रख लेती है अपने साथ कि हम इसको पालेंगे कुछ टाइम के लिए तो वो इंस्टीट्यूशन तो नहीं है ना वो उसको पाल रहे हैं दे आर टेकिंग केयर ऑफ हिम तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में आएगा अब इसमें इंपॉर्टेंट है सारा और कारा की फुल फॉर्म या अगर पूछा जाए जो टॉप लेवल पे जो आ, कौन सी अथॉरिटी होती है जो अडोप्शन के प्रोसेस को देखती है दैट इज़ कारा यू शुड नो दैट उसके बाद कुछ स्पेशलाइज एडोपन एजेंसीज होती हैं अब सारा और कारा जो है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट एजेंसीज हैं लेकिन ये जो स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसीज़ हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी ये नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं मे भी आपने कहीं देखा होगा कि बेसिकली ये कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो बच जहाँ पर आप जाके एडोप्ट कर सकते हो क्योंकि उनके पास लाइक वो स्ट्रीट्स में से बच्चों को लाते हैं या उनको जो लगते हैं वालनरेबल बच्चे कहीं पे अबंडन uh, किए हुए बच्चे वो उनको उठाते हैं वो उनको रखते हैं अपनी उस लाइक like, uh, उनका जो होम होगा और फिर वहाँ से uh, वो बच्चों को लाइक like, एडोपशन के लिए देते हैं यू माइट हैव सीन लाइक पेट्स के लिए भी एक एडोपशन एजेंसी होती है वहाँ पे वो ऐसे ही स्ट्रीट से लाइक like, उठाएंगे जो अबेंडन एनिमल्स uh, होते हैं फिर उनको पीपल बाहर ये चीज़ें होती हैं फिर लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से उन पेट्स को अडोप्ट करते हैं तो वैसे ही ह्यूमस के लिए इंडिया के अंदर स्पेशलाइज्ड एडोपशन एजेंसीज हैं ये जो हैं ये एजेंसीज इनको स्टेट गवर्नमेंट अथोराइज़ करती है इनको स्टेट गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन देती है एडोप्शन के लिए तो इनको अंडर द सब सेक्शन फोर ऑफ सेक्शन फोर्टी वन तो ये मे भी पूछा जा सकता है तो ये याद रखना कि सेक्शन फोर्टी वन के सेक्शन फोर के अंडर स्पेशलाइज एडोपन एजेंसीज़ को रजिस्टर किया जाता है या रिकोगनाइज किया जाता है अब ये किसकी से किसका सेक्शन फोर्टी वन है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन का सेक्शन 41 है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है इसको हम आगे पढ़ेंगे भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या इसको कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ठीक है इसी के सेक्शन 41 के अंडर इन स्पेशलाइज एडोपन एजेंसीज़ को रजिस्टर किया जाता है सिम्पल टर्म तो, मैं मैं अगर बोलूँ तो स्पेशलाइज्ड एडोपन एजेंसीज़ का काम होता है बच्चों को एडॉप्शन में देना और रजिस्टर है। ये रजिस्टर्ड होती हैं ये जरूरी नहीं है गवर्नमेंट की होती हैं ये प्राइवे एन भी होती हैं लेकिन ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए विथ द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है इसके बाद कुछ एथोराइज फॉरेन एडॉप्शन एजेंसीज़ होती है अब इंडिया के अंदर जो एजेंसीज होंगी उनको कहेंगे हम स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज अब बाहर जो आ, अथ, बाहर जो अथोरइज फॉरेन अडॉप्शन एजेंसीज होंगी मतलब इंडिया के बाहर भी कुछ अडॉप्शन एजेंसीज़ हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं किसके साथ ऑथोराइज जिनको अथोराइज़ करता है कारा यानी सेंट्रल रिसोर्स अथॉरिटी फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एक एजेंसी है कोई एक एडोपन एजेंसी है वो एथोराइज है बाय कारा वो लाइक रजिस्टर करती है खुद को सेंट्रल एडोपन रिसोर्स अथॉरिटी के साथ और जब कारा उनको रजिस्ट्रेशन दे देगी ऑथराइज करेगी तो फिर अगर उस कंट्री का कोई जो है वो इंडिया के बच्चे को तो वो उसी एजेंसी के थ्रू करेगा आई होप ये आप समझ रहे हो तो ऑथराइज फॉरन अडोपशन एजेंसी बेसिकली क्या होती हैं ये फॉरन एज अगर कोई फॉरनर इंडिया के बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो इसी ऑथराइज फॉरन अडोप्शन एजेंसी के थ्रू करेगा फिर उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट डी सी पी यू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप किया हुआ एक यूनिट है अंडर द सेक्शन सिक्सटी वन एफ द जुवेनाल जस्टिस एक्ट इस डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का काम होता है आइडेंटिफाई करना ऑर्फन को अबंडन और सरेंडर्ड चिल्ड्रन को जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जो जिनको चाइल्ड वेलफेयर कमिटी ने लीगली फ्री करार दिया होता है फॉर एडॉप्शन तो सिंपल टर्म्स में मैं अगर बोलूं तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का काम होता है और फंडर्ड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना जिनको एडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन डिक्लेयर करता है कि ये बच्चा एडॉप्शन के लिए फ्री है ये काम करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिसाइड करती है कि कौन सा बच्चा एडॉप्शन के लिए फ्री है और किस बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है ठीक है ठीक है नेक्स्ट इज द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि ऑर्डर ऑफ एडोपशन पास करती है तो ये कुछ एजेंसीज़ हैं जो एडोपशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं कारा ये सेंट्रल अथॉरिटी है जो एडोप्शन के प्रोसेस को देखती है जो कि अडोप्शन गाइडलाइंस बनाती है सारा ये नोडल बॉडी या ये स्टेट के अंदर अडोप्शन uh, प्रोसेस को देखती है स्पेशलाइज एडोपन एजेंसी ये नॉन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं जिसके थ्रू एडोपन प्रोसेस चलता है ठीक है जहाँ पे बच्चों को अडोप्ट किया जा सकता है या जो अथोरइज़्ड होता है फॉर एडोपन प्रोसेस इसके बाद देर इज़ अथोरइज फॉरन अडोप्शन एजेंसी जो फॉरन कंट्रीज़ में अडोप्शन के प्रोसेस को देखती है इंडियन चिल्ड्रेन का डी सी पी यू दैट इज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ये आ, अबंडन चिल्ड्रेन ऑर्फन और सरेंडर चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करती है जिनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने लीगली फ्री करार दिया होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने इस यहाँ पे आपको बोले ठीक है अब कौन एलिजिबल है अडॉप्ट करने के लिए यानी कौन एडॉप्ट कर सकता है कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अब यहाँ पे जो अडॉप्ट करना चाहता है उसको कहते हैं पैप दैट इज प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिव पेरेंट या अगर दो होंगे तो हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिव पेरेंट्स पैप की फुल फॉर्म होती है प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स यानी वो पेरेंट्स जो प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिव पेरेंट्स होते हैं यानी जो बन सकते हैं अडोप्टिव यानी जो अडॉप्ट कर सकते हैं यानी जो अडॉप्ट करते हैं ठीक है करना चाहते हैं जो एडॉप्ट करना चाहते हैं उनको पैप्स कहते हैं ठीक है फर्स्ट चीज़ जो होनी चाहिए वही अडॉप्ट कर सकता है या प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है वो पहले फिजिकली मेंटली और इमोशनली स्टेबल होनी चाहिए पहली कंडीशन है दूसरा है वो फाइनेंशियली केपेबल होनी चाहिए तीसरा है वो मोटिवेटेड होनी चाहिए टू तो अडॉप्ट ए चाइल्ड यानी उनको चाह होनी चाहिए बच्चे को अडॉप्ट करने की ही शुड नॉट हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए लाइक फॉर एग्जाम्पल उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिससे वो लाइक like, मर सकता है Uh, जिसमें लाइक like, जो फेटल है फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह ऐसी कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए ये पहली तो ये कंडीशन है कि वो फिजिकली मेंटली इमोशनली स्टेबल होना चाहिए फाइनेशली केपेबल होना चाहिए मोटिवेटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड और ही शुड नॉट हैव एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन ठीक है अब यहाँ पे जो जो मैंने बात की जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट टू में जो है इस एक्ट को पास किया गया है ये भी याद रखना आप जुवेनल जस्टिस एक्ट को 2000 में पास किया गया इसी के सेक्शन 41 में इसी के सेक्शन 41 में बताया गया है कि कौन अडॉप्ट कर सकता है ठीक है ये भी पूछा जा सकता है कि द एलिजिबिलिटी फॉर द एडॉप्शन इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ द जुबिनल जस्टिस एक्ट ये याद रखना है ये सेक्शन फोर्टी है और जुवेनल जस्टिस एक्ट को पास किया गया था टू में ठीक है पहला टू ए पर्सन इन ऑफ द मेरिटल स्टेटस इसका मतलब है कि अगर कोई मैरिड होगा या अनमैरिड होगा दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैरिड लोग ही अडॉप्ट कर सकते हैं अगर कोई अनमैरिड इंसान भी है वो भी अडॉप्ट कर सकता है अब इसमें कुछ कंडीशन हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल पेरेंट हो अगर फीमेल सिंगल होगी कोई जो सिंगल फीमेल होगी अनमैरिड फीमेल होगी वो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों को अडॉप्ट कर सकता है लेकिन अगर सिंगल मेल होगा सिंगल मेल होगा वो सिर्फ मेल चाइल्ड को ही अडॉप्ट कर सकता है वो हम आगे देखेंगे तो पहली बात आप याद रखना कि चाहे मे चाहे सिंगल हो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं दूसरा पेरेंट्स कैन अडॉप्ट ए चाइल्ड ऑफ द सेम सेक्स इन ऑफ द नंबर ऑफ द लिविंग बायोलॉजिकल सन्स और डॉटर्स इसका मतलब है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी बेटा है तो वो बेटा अडॉप्ट कर सकता है अगर किसी के पास ऑलरेडी डॉटर है तो वो ऑलरेडी तो वो दूसरी लड़की को अडॉप्ट कर सकता है होप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे सेम सेक्स यानी ऑलरेडी जिसके पास बेटा होगा तो ऐसी कोई लिमिटेशन है नहीं कि वो लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकता ऐसा कोई जो है रूल नहीं है तो जिसके पास ऑलरेडी जिस सेक्स का लाइक चाइल्ड होगा वो उसी सेम सेक्स का चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है आई होप ये आप समझ रहे हो जिसके पास बेटा होगा वो लड़का अडॉप्ट कर सकता है जिसके पास लड़की ऑलरेडी होगी बेटी होगी वो लड़की अडॉप्ट कर सकती है ठीक है और ऐसी भी यहाँ पे नहीं है रेस्ट्रिक्शन की जिसके पास लड़की जिसके पास बच्चे होंगे वो अडॉप्ट नहीं कर सकता ए चाइल्डलेस कपल जिसके पास आप बच्चे नहीं होंगे जो चाइल्डलेस कपल होगा तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं ये तीन रूल्स आपने याद रखे पहला कि मैरिटल स्टेटस इरेस्पेक्टिव ऑफ़ मैरिटल स्टेटस लोग अडॉप्ट कर सकते हैं दे कैन अडॉप्ट ए चाइल्ड ऑफ द सेम सेक्स और तीसरा चाइल्डलेस कपल भी अडॉप्ट कर सकते हैं अब यहाँ पे सिंगल फीमेल इज एलिजिबल टू अडॉप्ट ए चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई सिंगल फीमेल होगी यानी अनमेरिड फीमेल होगी वो मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड चिल्ड्रन को अडॉप्ट कर सकती है लेकिन जो सिंगल मेल पर्सन होगा वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये पता ही होगा ये क्यों है बिकॉज देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट वो उसको अब्यूज़ कर सकता है तो उससे बचाने के लिए मे सिंगल मेल पर्सन को जो इंडियन लॉ है इंडियन जुवेनाइल जस्टिस लॉ है वो इंडियन मेल पर सिंगल मेल पर्सन को एलिजिबल नहीं रखता है टू अडॉप्ट ए गर्ल चाइल्ड ठीक है अब यहाँ पे कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाइसेस स्पाउसेस फॉर द एडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मैरिड कपल अगर मैरिड कपल होगा तो दोनों स्पाइसेस यानी सिर्फ अगर माँ चाहेगी अडॉप्ट करना और बाप नहीं चाहेगा तो वो नहीं चलेगा दोनों स्पाउसेस यानी फादर और मदर दोनों का कंसेंट चाहिए होता है दोनों की मर्जी चाहिए होती है दोनों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं तभी जाके वो अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है थीक्या?

आ, दो एटलीस्ट दो साल उनको मैरी या शादी किए हुए होने चाहिए जब तक उनको एटलीस्ट टू इयर्स ऑफ स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप नहीं होंगे तब तक वो अडॉप्ट नहीं कर सकते यानी शादी के पहले दो साल के अंदर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता एटलीस्ट टू इयर्स ऑफ वो भी स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि बीच में वो सेपरेट हो गए थे स्टेबल रिलेशनशिप के दो दो साल हो गए होने चाहिए तभी जाके वो अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक लिमिट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई रिलेटिव अडॉप्ट करना चाहता है या कोई स्टेप पेरेंट Uh, मतलब किसी की सोतीली माँ या सुतीला बाप लाइक वो अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है आई होप ये रूल्स आपको याद रहे होंगे सेक्शन 41 वन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2000 में पास हुआ था पहला मैरिटल स्टेटस इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस यानी अनमेरिड मैरिड दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं सेम सेक्स के चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है अगर ऑलरेडी उनके पास कोई चाइल्ड होगा चाइल्डलेस कपल्स अडॉप्ट कर सकते हैं सिंगल फीमेल सिर्फ सिंगल uh, फीमेल दोनों मेल और फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है सिंगल मेल पर्सन सिर्फ मेल चाइल्ड को या जो बॉय होगा उसको अडॉप्ट कर सकता है वो गर्ल चाइल्ड को नहीं कर सकता दोनों किसी चीज को समझने में कोई इशू होगा ठीक है अब यहाँ पे कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं अब कुछ और रूल्स जो हैं जो फॉलो करने होते हैं अब अगर कोई बच्चा है जो दो साल तक का है यानी अप टू टू इयर्स उसकी एज है एक साल का है डेढ़ साल का है तो उसको सिर्फ वो वाले पेरेंट्स अगर लाइक like कपल होगा अगर लाइक like कपल होगा जो उसको अडॉप्ट कर कर रहे हैं तो उनकी जो कंपोजिट एज है वो 85 इयर्स 85 एट्टी से ज़्यादा नहीं हो सकती ये क्या मतलब है मतलब जो माँ और बाप उसके होंगे यानी जो उसको अडॉप्ट करें उनकी एज मिला के एड करके एट्टी फाइव से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा एक साल का है तो उसकी एज तो दो साल से कम है अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मतलब जो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं जो उसका लाइक टू बी फादर होगा उसकी एज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्टी ईयर्स है और उसकी जो टू बी मदर होगी वो अगर उसकी एज भी फोर्टी ईयर्स होगी ठीक है तो टोटल कितना हुआ ये एज ये फोर्टी प्लस फोर्टी एट्टी हुई तो टोटल एटी हुई जो लेस देन एटी फाइव है तो वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अब अगर दूसरा कोई कपल है फॉर एग्जांपल उसमें से एक फॉर एग्जांपल फिफ्टी इयर्स का जो फादर है और जो मदर है वो फॉर एग्जांपल फोर्टी इयर्स की है तो इनकी टोटल एज कितनी हुई फोर्टी प्लस एटी ईज नाइन्टी तो नाइन्टी इज ग्रेटर दैन एटी फाइव वो अडॉप्ट नहीं कर सकते इस बच्चे को आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ दो साल तक के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए माँ बाप की कॉम्पोजिट एज मिला के एज पिचासी साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर सिंगल पेरेंट है मतलब अगर सिंगल एक ही इंसान है अनमेरिड इंसान है जो अडोप्ट रहा है उसकी चालीस साल से ज़्यादा एज नहीं हो सकती यानी दो साल तक के बच्चे को अडोप्ट करने के लिए चालीस साल से कम उम्र होनी चाहिए अगर सिंगल पेरेंट है ऐसे ही दो टू टू फोर ईयर्स टू टू फोर ईयर्स अगर एज है बच्चे की तो जो मैक्सिमम कॉम्पोजिट एज है प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिड पेरेंट्स की वो 90 इयर्स तक हो सकती है और सिंगल पेरेंट की 45 इयर्स ऐसे ही चार से आठ साल तक के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए दोनों पेरेंट्स की जो कॉम्पोजिट एज है वो हंड्रेड ईयर्स हो सकती है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती और सिंगल पेरेंट की पचास साल से ज़्यादा नहीं हो सकती ये मैक्सिमम एज है ठीक है इसी के अलावा अगर हम एट से लेकर एटीन ईयर्स तक के बच्चे की बात करेंगे तो दोनों पेरेंट्स की जो कॉम्पोजिट एज है वो हंड्रेड एंड टेन ईयर्स हो सकती है मैक्सिमम और सिंगल पेरेंट की फिफ्टी फाइव ईयर्स अब इसके पीछे रीज़न है सिंपल कि अगर फॉर एक्जाम्पल दो साल का बच्चा है तो आ, उसको कोई साठ साल का कोई सिंगल इंसान जो है वो उसको अडॉप्ट कर रहा है अब बेचारा फॉर एग्जांपल वो दस साल का ही होगा तो वो सिंगल पेरेंट फॉर एग्जांपल तब तक सत्तर साल का हो जाएगा और वो सत्तर साल की एज में वो मर सकता है तो ये बेचारा फिर ऐसे ही रहेगा ना इसको कौन रहे तो वो एज गैप उतनी भी नहीं होनी चाहिए ताकि उसके पेरेंट्स फिर बाद में मर जाएँ और वो बेचारा फिर फिर से ऐसे ही रह जाए ठीक है तो इसीलिए इन्होंने कुछ लिमिटेशन रखी हैं जो इस पर आई डोंट थिंक इस पर क्वेश्चन आएगा बट स्टिल याद रखना आप ये चीज़ अगर पेपर थोड़ा सा टफ़ लाइक एग्ज़ाम लेने डालो तो ये चीज़ें भी वो पूछ सकता है ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर जो मिनिमम एज डिफरेंस चाइल्ड और ईदर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स दैट शुड नॉट भी लेस दैन ट्वेंटी फाइव ईयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है और दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ अगर हम एज डिफरेंस निकालेंगे तो वो पच्चीस साल से कम नहीं होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा पाँच साल का है और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्वेंटी नाइन ईयर्स की उसकी माँ है जो उसको एडॉप्ट कर रही है तो इनकी एज डिफरेंस कितनी हुई है ट्वेंटी फाइव मत ये तो चौबीस साल ही हो गई जो कि पच्चीस साल से कम है तो ये अडोप्ट नहीं कर सकते यानी अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई उनतीस साल का हुआ और बच्चा पाँच साल का हुआ तो ये अडोप्ट नहीं कर सकते ठीक है आई होप ये आप समझ रहे हो दोनों पेरेंट्स में से जो सबसे लाइक छोटा होगा और बच्चे की उम्र का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम जो वो सॉरी वो मिनिमम मिनिमम पच्चीस साल होनी चाहिए पच्चीस साल से कम डिफरेंस नहीं होनी चाहिए बिटवीन इधर ऑफ़ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड ठीक है द एज फॉर द एलिजिबिलिटी जो निकाली जाएगी वो उसी दिन की निकाली जाएगी जिस दिन बच्चे को ऑब्वियसली अडॉप्ट किया जा रहा है ठीक है एंड इसके बाद एज क्राइटेरिया फॉर द एडोप्टिव पेरेंट शल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिलेटिव अडॉप्शन एंड अडॉप्शन बाई द स्टेप पेरेंट सेम चीज़ है कि अगर रिलेटिव अडॉप्शन हो रही है कोई रिलेटिव अडॉप्ट है या स्टेप पेरेंट अडॉप्ट कर रहा है तो तब ये एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है ठीक है अब यहाँ पर और एक चीज़ है कि कपल्स विथ थ्री और मोर चिल्ड्रन अब ऐसे बच्चे अब ऐसे कपल जिनके पास तीन या तीन से ज्यादा चिल्ड्रेन है शल नॉट बी कंस्टर फॉर अडोप्शन वो अडॉप्ट कर सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन अगर स्पेशल नीड चिल्ड्रन होगा स्पेशल नीड चिल्ड्रन क्या है वो इसी एक्ट के रेगुलेशन टू ट्वेंटी वन में दिया हुआ है स्पेशल नीड चिल्ड्रन कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई स्पेशल नीड है जो लाइक स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जैसे होते हैं या ऐसे जो हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन होते हैं यानी ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोई बेचारों को अडॉप्ट नहीं कर, करता है ठीक है होते हैं मतलब देयर कुड बी रीजंस कोई ऐसा बच्चा है बेचारा जो लाइक दिखने में अच्छा नहीं या कोई ऐसा बच्चा है जो से uh, जिसको कोई uh, बेचारे को प्रॉब्लम है लाइक ही इज़ फेसिंग सम लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी या कोई बीमारी ऐसा कुछ है तो उसको शायद कोई अडॉप्ट नहीं करता तो ऐसे केसेस में uh, उनको छोड़ के उनको छोड़ के उनको छोड़ के जो तीन या तीन से ज़्यादा बच्चे जिनके पास होंगे वो अडॉप्ट नहीं कर सकते लेकिन अगर बच्चा जो है जिसको अडॉप्ट करना है अगर उसमें कोई अगर वो स्पेशल नीड वाला बच्चा है या अगर वो हार्ड टू प्लेस बच्चा है तो उसको ऐसे पेरेंट्स को दिया जा सकता है जिसके ऑलरेडी तीन या तीन से ज़्यादा चिल्ड्रन है आई पी आप समझ रहे हो मैं फिर से बता रहा हूँ जिन पेरेंट्स के तीन या तीन से ज़्यादा बच्चे वो अडॉप्ट नहीं कर सकते लेकिन वो अडॉप्ट कर सकते हैं सिर्फ ऐसे बच्चों को जिनको स्पेशल नीड होगी या जिन जो हार्ड टू प्लेस चिल्ड्रन होंगे जिनको बेचारों को, को कोई नहीं ले रहा है ऑप्शन में आई होप ये चीज़ क्लियर है पिछली वाली स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको आप लाइक ऊपर ऊपर सी सिवे अगर आप देखो लेकिन मेन पिछले वाली स्लाइड है ठीक है अब किसको अडॉप्ट किया जा सकता है हु कैन बी अडॉप्टेड ये तो पिछला था कौन अडॉप्ट कर सकता है अब किसको अडॉप्ट किया जा सकता है अब इंडिया में अडॉप्ट किया जा सकता है ऑर्फन को एबंडेंट यानी जिसको छोड़ दिया है किसी अक्सर होता है ना लाइक वी सी ऐसे बॉर्न बच्चे होते हैं उनको बेचारों को छोड़ देते हैं लाइक पेरेंट्स नहीं चाहते हैं उनको तो न्यूबॉन ही होते हैं दो दिन का बच्चा वी सी फाइंड एम लाइक बहुत जगह पे ऐसे बेचारे पड़े हुए होते हैं या सरेंडर चिल्ड्रन सरेंडर मतलब खुद पेरेंट्स लाइक like, किसी को दे देते हैं लाइक like, आप इसको रखो इस जैसे वी सी इन हॉस्पिटल्स में जैसे दे देते हैं किसी को लाइक like, ऑलरेडी पाँच छः बच्चे हैं तो उसको या लड़के पाँच छः तो उसको और एक लड़का हो गया तो वो साइड में वहीं पर दे देते हैं किसी को तो उसको सरेंडर करना होता है कहते हैं ठीक है तो ऑर्फन अबेंडेंट और सरेंडर्ड चिल्ड्रेन इनको अडॉप्ट किया जा सकता है ठीक है अब a child can be given for adoption only if she has been declared legally free for adoption by the child welfare committee both important hai. कौन डिसाइड करता है कि बच्चा लीगली फ्री है अडोप्शन के लिए ये डिक्लेयर करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये आपको याद रखना है ठीक है अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है ठीक है एंड इट इज़ द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये याद रखना इट इज़ द ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिक्लेयर कर सकती है बच्चे को लीगली फ्री फॉर अडोप्शन यानी जो डिसाइड करती है कि बच्चा बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है ठीक है और सबसे और सही तरीका क्या है अडॉप्ट करने का तो यहाँ पर अडोप्शन कि ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि ऑर्फन एबेंडेंट या सरेंडर चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है और कौन डिसाइड और लीगली फ्री कौन है अडॉप्शन के लिए डिसाइड करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ठीक है अब इसके बाद राइट वे क्या है किस आपको किस तरह से इफ़ समी मोड्स टू एडोप्ट क्या सही तरीका है अडॉप्शन का पहला ओनली गवर्नमेंट रिकोगनाइज स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी से ही अडॉप्ट करो जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला जो ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट ने जिनको रिकॉग्नाइज किया होता है फॉर द अडॉप्शन उन्हीं से आप अडोप्ट करो और अगर आप एडोप्ट कर रहे हो तो उसको केयरिंग्स पोर्टल पर रजिस्टर करो केयरिंग्स पोर्टल मैंने आपको बोला ये वो पोर्टल है जहाँ पर एडॉप्शन एडॉप्शन को रजिस्टर किया जाता है ठीक है एंड द चाइल्ड स्टडी एंड फिजिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड्स आर टू बी साइंड बाय बोथ द दॉोप्टि पेरेंट्स चाइल्ड की जो फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट्स होंगी यानी उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह होंगी उसको दोनों पेरेंट जो है वो साइन करने चाहिए ठीक है एंड जो एडॉपशन के लिए फ़ी होती है एज प्रिस्क्राइब इन द एडोप्टि गाइडलाइंस वो पे करनी चाहिए तो ये मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन आएगा बट इंपॉर्टेंट जो है वो ऊपर है इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइक हु कैन बी एडॉप्टिड ऑर्फन एबंडेट सरेंडर चाइल्ड ऑल ऑफ द अबू तो ये आप लिख सकते हो या ऐसे कि विच एल फॉलोइंग एज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिक्लेयर ए चाइल्ड लीगली फ्री तो वहाँ पर वो लिख सकते हैं लाइक सी या फिर लिख सकते हैं एस फिर तीसरे ऑप्शन में सी डब्ल्यू सी लिख सकते हैं तो यू शुड नो दैट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ही है एक ऐसी अथॉरिटी जो कि किसी चाइल्ड को लीगली फ्री डिक्लेयर कर सकती है फॉर अडोप्शन आई होप ये चीज़ क्लियर है आपके लिए अब वॉट आर द लॉज टू अडोप्ट ए चाइल्ड इन इंडिया इंडिया में अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो अडोप्शन के रिलेटेड कौन से लॉज हैं इंडिया के अंदर ठीक है अडोप्शन इंडिया में प्राइमरली दो लॉज हैं अडोप्शन के लिए एक है हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जिसको हामा कहते हैं जो 1956 में पास हुआ था और दूसरा है जुबनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 ठीक है अब यहाँ पे ये दो लॉ क्या है पहला है हिंदू एडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट अब जो जो जेन्स हिंदूज सिक्स हैं वो अडोप्ट कर सकते हैं हिंदू एडोपन एंड मेंटेनेंस एक्ट लाइक हिंदूज जेन्स और सिक्स के लिए इस अगर वो अडॉप्ट चाहते हैं तो वो इसी लॉ के अंडर एडॉप्ट करते हैं दैट इज़ हिंदू एडोपन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है ये एक जनरल एक्ट है जिसमें लाइक सिर्फ अडोपन के रिलेटेड ही नहीं है जिसमें ओवरऑल लाइक चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के रिलेटेड प्रोविजन्स है तो ये सब पे अप्लाई होते हैं अब आप पूछोगे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स के लिए कौन सा लॉ है मुस्लिम्स के, के लिए एज ऑफ नाउ लाइक अगर आपको पता होगा लाइक like, शरिया में अडोप्शन नहीं है बिकॉज इन इस्लाम जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो हमेशा पेरेंट्स रहते हैं हाँ अडोप्ट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए पेरेंट्स लाइक बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही रहेंगे हमेशा उसके पेरेंट्स ठीक है यू कैन एडॉप्टबडी बट यू कॉन्ट क्लेम टू बी देयर पेरेंट्स जैसे हम देखते हैं कि लाइक इन केस ऑफ जैद बिन हारिस अगर आपने पढ़ा होगा ही वॉज लाइक एन उनको अडॉप्ट किया था हजरत मोहम्मद सल्हलम ने लेकिन वो उनका फादरहुड क्लेम नहीं कर पाए थे ठीक है लाइक ही वॉज हिज गार्जियन लेकिन वो उसके पेरेंट नहीं थे ठीक है अब हामा जो है दैट इज़ हिंदू एडोपन एंड मेंटेनेंस एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर और जो जुबिन जस्टिस एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में ठीक है तो अब आप यहां पे बोलोगे सर आपने तो बोला था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में पास हुआ है अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूंगा कि बेसिकली 2000 के अंदर एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट पास हुआ था ये 2000 में ही पास हुआ था लेकिन फिर 2015 में पास हुआ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट फिर से पास हुआ जिसने रिप्लेस किया पिछले वाले पुराने वाले एक्ट को तो अगर मैं फिर से इस चीज़ को बोलूँ कि जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है इस लॉ ने रिप्लेस किया जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 को तो मैं सिंपली बोलूंगा कि पहले 2000 में एक लॉ पास हुआ था बाय द नेम ऑफ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन लेकिन फिर टू में फिफ्टीन में फिर से गवर्नमेंट ने जो है एक एक नया लॉ किया पास जिसका नाम सेम था जोबेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2015 में पास हुआ जिसने रिप्लेस किया पुराने वाले एक्ट को ठीक है अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि ये कब पास हुआ था तो अगर आपको 2000 दिखा तो यू कैन लाइक क्लिक ऑन 2000 अगर आपको 2015 थाउजेंड फिफ्टी दिखा तो आप 2015 पे क्लिक कर सकते हो बिकॉज ये जो है 2015 में भी पास हुआ टू में भी पास हुआ टू वाले को फिर 2015 वाले ने जो है रिप्लेस किया था ठीक है आई होप ये कन्फ्यूजन जो है अगर आपको होगी अभी भी तो ये क्लियर हो गई होगी ठीक है तो नेक्स्ट इज जो मैंने बोला कि हामा जो है ये एप्लीकेबल है हिंदूज बुद्धिस्ट जेम्स और सिक्स को ठीक है ठीक है तो अगर हिंदू बुद्ध बुद्धिस्ट जैन और सिक्स अडॉप्ट करते हैं तो वो उनको जो रूल्स या रेगुलेशन या उनपे जो जो भी रेगुलेशन या उन पर जो भी प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो इसी हामा के अंदर यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं ठीक है देर इज़ नो डेडिकेटेड अडोप्शन लॉ फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया ये ऑलरेडी अल, बताया अंडर द इस्लामिक लॉ एडोपन इन देंस ऑफ परमनेंटली ट्रांसफरिंग द पेरेंटल राइट्स फ्राम बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू द एडोप्टि पेरेंट्स इट नॉट रिकोगनाइज यानी इस्लाम के अंदर परमानेंटली पेरेंटल राइट्स को ट्रांसफ़र करना अलाउड नहीं है या वहाँ पर उसको रिकोगनाइज नहीं किया जाता है ठीक है आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से पहले एक गार्जियंस एंड गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट हुआ करता था नाइनटीन एटी तक जो नाइनटीन एटी में पास हुआ था एंड इट वॉज द ओनली मीन्स फॉर द नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स टू बिकम द गार्डियंस ऑफ द चिल्ड्रन ठीक है आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में एक एडोपन फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन नोटिफाई की थी जिसके थ्रू इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन जो एब्रॉड हैं यानी जो इंडियन डिप्लोमैट्स बाहर रहते हैं बाहर वाली कंट्रीज में रहते हैं इंडियन फॉरन सर्विसज़ के जो डिप्लोमैट्स होते जो बाहर रहते हैं वही इंचार्ज होंगे वहाँ अगर वहाँ का कोई इंसान यहाँ के इसी बच्च को अडॉप्ट करेगा तो वही उस चीज़ को वहाँ पे ओवरसी करेगा तो इस वाली स्लाइड में मैं क्या इंपॉर्टेंट कहूँ एक तो पहला हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में पास हुआ था जुबिनल जस्टिस एक्ट 2000 में पास हुआ था फिर 2015 में आया और उसने उसको पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया जो हामा है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है जो जुवेनल जस्टिस एक्ट वो मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है मुस्लिम्स के लिए कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है हामा के अंदर हिंदूज बुद्धिस्ट जैन सिक्स इसी के अंदर जो है अडॉप्ट करते हैं ठीक है आई होप ये चीज़ें क्लियर है बस ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है सो so, इसके साथ ही वी हैव फिनिश द आपका एडोपशन हो गया नाउ वील मूव ऑन टू द फॉस्टर केयर